गुड इवनिंग, आप सबको हमारी शो इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड प्लेयर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट। 100 प्लेयर्स के नाम हैं, उनमें से बास्केटबॉल के 35 प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के 22 प्लेयर्स, बेसबॉल के 15 प्लेयर्स, सॉकर के 9 प्लेयर्स, बॉक्सिंग के 5, लॉन टेनिस के 5, गोल्फ के 5, ऑटो रेसिंग के 2 और मार्शल आर्ट के 1। और हम बता दें कि क्रिकेट के भी एक ही प्लेयर है जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो है विराट कोहली। तो नेहा, आप हमें बता सकते हैं कि ये लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्लेयर है और कौन से लिस्ट में कितने नंबर पे आते हैं? यहाँ पे जो लिस्ट आई है उसमें पहले नंबर पर हमारे आते हैं लियोनल मेसी, जो $127 मिलियन अर्निंग है। दूसरे नंबर पर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो $109 मिलियन पर हैं। ओके, रही बात यहाँ पे लियोनल मेसी की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, मैं बता दूँ आप सबको कि दोनों ही बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। दोनों ही जब मैच खेलते फैंस बेकरार मतलब इंतज़ार करते कि कौन विन करेगा और कौन लूज़ करेगा। और रही बात लियोनल मेसी की, ही हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट प्लेयर। और लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि रोनाल्डो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो भी अच्छा प्लेयर है। एंड आगे तीसरे नंबर पर आते हैं नेमार, जो $105 मिलियन अर्निंग में है। चौथे नंबर पर आते हैं कैनल एल्वरेस, जो $94 मिलियन अर्निंग में है। नंबर फाइव पर है रॉजर फेडरर, जो $93.4 मिलियन अर्निंग में है। मैं बता दूँ रॉजर फेडरर, यस रॉजर फेडरर बहुत ही अच्छे प्लेयर है और इनका मैच बहुत ही अच्छा होता है, मतलब देखने में बहुत मज़ा आता है। रही बात रॉजर फेडरर का और रफेल नडाल का, इन दोनों के मैच थोड़े दिन पहले ही हुआ था जहाँ पे रफेल नडाल ने रॉजर फेडरर को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं कि रॉजर फेडरर हारता है और रफेल नडाल जीतता है, कहीं कई बार ऐसा भी हुआ है कि रॉजर फेडरर ने रफेल नडाल को भी हरा दिया है। तो आगे नंबर सिक्स पर हमारे आते हैं रूसल विल्सन, जो $89.5 मिलियन अर्निंग है। नंबर सेवन पर है एरन रॉजर, जो $89.3 मिलियन अर्निंग पर हैं। नंबर आठ पर आते हैं लेब्रॉन जेम्स, जिनकी अर्निंग है $89 मिलियन। नंबर नाइन पर है स्टीफन करी, जिनकी अर्निंग है $79.7 मिलियन। नंबर टेन पर है केविन ड्यूरेंट, जिनकी $65.4 मिलियन अर्निंग है। वहीं हमारे 100th नंबर पर हैं विराट कोहली, हमारे देश के कैप्टन, क्रिकेट प्लेयर कैप्टन विराट कोहली। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनकी अर्निंग में से $4 मिलियन जो है वो उनकी विनिंग और सैलरी में से हैं, और वहीं $21 मिलियन जो है वो उनके एंडोर्समेंट में से है। हाँ जी, अभी जब हम विराट कोहली का नाम सुने, ये सुनने में ना बहुत गर्व महसूस हुआ है कि इंडिया में से कोई ऐसा इंडिया को रिप्रेजेंट किया है फोर्ब्स लिस्ट में। और यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही नाम जुड़े गए, लेकिन उम्मीद मेरी यही है कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स अपने नाम वहाँ बना पाए। अच्छा नेहा, जैसे हमने लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा है कि बास्केटबॉल के 35 प्लेयर्स रह चुके हैं और फुटबॉल के 22 प्लेयर्स रह चुके हैं, आपको नहीं लगता कि इंडिया में किसी को पता ही नहीं होगा कि बास्केटबॉल के प्लेयर्स कौन है और फुटबॉल के प्लेयर्स कौन है इन इंडियन टीम? बिल्कुल अंकिता, ऐसा है कि ये जो देश हैं ये फुटबॉल और बास्केटबॉल को ज़्यादा सपोर्ट में रखते हैं, इनको ये गेम ज़्यादा पसंद है। लेकिन भारत में जो क्रिकेट है उसका क्रेज़ ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले में ये हमारा भारत जो है वो फुटबॉल के और लेकिन मुझे क्या लगता है ये भारत में सिर्फ क्रिकेट और हॉकी को बिना सपोर्ट किए अगर बाकी दूसरे गेम को भी ऐसा सपोर्ट करे ना, तो हमारी इंडियन टीमों में से ऐसे बहुत सारी खिलाड़ी की वो कैपेबिलिटी है जो वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन देखते अगर अभी थोड़ा बहुत तो लोग स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, उम्मीद यही है कि आगे भी स्पोर्ट्स को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरे स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे विदेशों में बास्केटबॉल और फुटबॉल की क्रेज़ अलग ही लेवल पे है, हम इंडिया में भी वही उम्मीद करते कि इंडिया में भी क्रेज़ उतना ही रहे फुटबॉल और बास्केटबॉल की। एंड सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल की भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे अगर लॉन टेनिस पे भी प्रेशर दिया जाए तो हमारी कंट्री में से ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो खेल के बहुत आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, हमें आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और विराट कोहली के लिए ऑल द बेस्ट एंड फॉर ऑल द अदर इंडियन प्लेयर्स ऑल द बेस्ट कि आप बहुत आगे तक जाओ।